हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एसएससी के क्वेश्चन, और एसएससी के क्वेश्चन पिनाकल की बुक से। पिनाकल जो है बुक, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक होती है, आप लोग जानते ही हो, तो उसी बुक से मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। जैसे कि आप किरण पब्लिकेशन की बुक खरीदते हो, जैसे कि एमबी पब्लिकेशन की बुक खरीदते हो, सेम उसी तरह से आपको किरण पब्लिकेशन वो पिनाकल पब्लिकेशन की बुक से मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमने सीएचएसएल के प्री मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, हमने सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, और अब हम सीपीओ के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप सीजीएल कर रहे हो तो सीपीओ नहीं लगाओगे, स्टेनो कर रहे हो तो सीजीएल नहीं लगाओगे। ऐसी गलती मत करना, वरना नेक्स्ट टाइम परेशान हो जाओगे सब मिला करके, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट, मैं बहुत ज्यादा इधर उधर फिजूल की बातें भी नहीं करता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वी शुड, वी जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, वो प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन है। इसके बाद शुड जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आई है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। शुड नॉट निगेटिव सेंटेंस को दिखाता है, यहां तक कोई गलती नहीं है। एन लगा हुआ है और नॉइज लिखा हुआ है। नॉइज के पहले एन का यूज नहीं करते हैं, ए का यूज करते हैं, यानी कि ए होगा, एन गलत होगा, क्योंकि एन का यूज वावेल साउंड के पहले करते हैं और ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही गलती है, छोटी सी गलती थी, लेकिन 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 मैं इसी गलती को, जो गलती है उससे रिलेटेड और रूल्स भी बताना चाहूंगा आज। जो बेहतरीन रूल्स में यहां मे के नॉइज आया है ना, तो मैं बताने जा रहा हूं कि आपको मजा आ जाएगा। मेक ऑफ विद जो है वो सीजीएल में पूछा गया है, सीजीएल के प्री में शायद 2018 या 2019 में पूछा गया है। मेक ऑफ विद का मतलब होता है किसी चीज को चुरा कर भाग जाना। क्या होता है? चुरा कर भाग जाना। ये क्या यूज होता है? मेक ऑफ विद का यूज होता है। मेक आउट करना मतलब टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है। और मेक ए नॉइस का मतलब होता है क्या? नॉइस करना। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं, देखना। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का रूल बहुत पूछता है। जैसे पेपर जो है वो वुड से, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड या ऑफ वुड, फ्रॉम या ऑफ में इनमें से कोई आपको फिल करना है। तो देखना, आप क्वेश्चन पूछो, जैसे लिखा हुआ है टेबल इज मेड डैश वुड, तो टेबल से, टेबल किससे बना है? वुड से। तो यानी कि इसका मतलब यहां लिख लो एक बार टेबल, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, टेबल और वुड, ठीक है। ये बताओ टेबल बना है वुड से, ठीक है, तो वुड से टेबल बना हुआ है, तो टेबल से वुड बन सकता है या नहीं? अगर जवाब यस में आता है तो आप ऑफ का यूज करोगे, अगर जवाब नो में आता है तो आप फ्रॉम का यूज करोगे। बहुत ही सिंपल सा रूल है, ठीक है। अगर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है और दोबारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो फ्रॉम का यूज, अगर दोबारा उसे प्राप्त किया जा सकता है तो ऑफ का यूज। तो टेबल जो है से लकड़ी, लकड़ी से टेबल बना है, तो टेबल को तोड़ के लकड़ी बन जाएगी कि नहीं? बन जाएगी। जवाब यस में है तो ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। अगर जवाब नो में होगा तो फ्रॉम का। बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है आपको, मैं सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूं। जैसे रिंग जो है वो गोल्ड से बनी है, अंगूठी गोल्ड से बनी है, ठीक है, तो अंगूठी से फिर से गोल्ड बन सकता है कि नहीं? अरे अंगूठी तो गोल्ड से ही बनी है, उसका सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर बदल गया है ना, तो फिर से प्राप्त किया जा सकता है उसे, यानी कि ऑफ। कर्ड जो है दही से दूध बना हुआ, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बना हुआ है, तो क्या दूध से अगर दही बन गया है तो दही से फिर से दूध बना सकते हो? बना के दिखाओ। नहीं बना सकते हो। तो जब जवाब नो हो तो आप फ्रॉम का यूज कर लेना। तो यहां क्या यूज होगा? फ्रॉम का। बचे हुए दो क्वेश्चन, पहला और पांचवा और छठा, आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। बहुत दिनों से मैंने कमेंट करके बताने के लिए आप लोगों को नहीं दिया, तो आप कमेंट करके बताओगे, मजा आ जाएगा आपको मेरी क्लास लेते टाइम। मेड से रिलेटेड मैंने जो जो चीजें बताई हैं, मैं बताता हूं ये कम से कम 10 से 12 बार ये सारी चीजें पूछी गई है। मेक आउट पूछा गया है, मेक ऑफ विद पूछा गया है, मेक ऑफ और मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में अंतर पूछा गया है। जब भी आप हमारी क्लास लोगे तो ऐसे शानदार क्लास देखने को मिलेगी। आई वॉज विश, ये क्या लिख उठा है, टू मीट हर
ऑन हर बर्थडे, आई विश होगा, वाज विश नहीं होगा, आई विश होगा। अब मैं इससे रिलेटेड कौन सा रूल बताने जा रहा हूं, वाज विश क्यों नहीं होगा, जो बिगिनर्स है वो देख ले, बाकी सबको तो आ रहा होगा। देखना भाई, जो वर्ब बी की फॉर्म होती है, वर्ब बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है उसको मैं बता दूं, इज, एम, आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वाज, वर्ब। सेकंड फॉर्म होती है बीन, थर्ड फॉर्म होती है, और बीन आईएनजी फॉर्म होती है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, और ये आईएनजी फॉर्म है। किसकी? वर्ब बी की। तो वर्ब बी के बाद या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यदि वर्ब की आईएनजी फॉर्म इज एम आर के बाद आ जाए तो इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, और यदि इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। इसका मतलब वर्ब बी यानी कि इज एम आर, वाज, वर्ब, इन सभी के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इन सभी का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे विश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई थी, इसलिए ग्रामेटिकली रॉन्ग था, क्योंकि वर्ब बी इज एम आर, वाज, वर्ब के बाद या तो आईएनजी फॉर्म आएगी वर्ब की और या तो थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म दे दिया, गलत हो गया। ये तो था बेसिक ग्रामर जो आप लोगों को, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। आओ प्रो के लिए मैं बताता हूँ, मालूम होगा वैसे आप लोगों को ग्रामर का ये रूल, इफ एज, इफ एज, दो, आई विश, ही विशेज, इसके बाद सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा और हमेशा वर का यूज करते हैं, वाज का नहीं। हमेशा और हमेशा वर का यूज करते हैं, वाज का नहीं, चाहे ही लिखा हो चाहे आई लिखा हो। इफ आई वाज ए बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ जाता। तो इफ से सेंटेंस शुरू हुआ है और क्या बता रहा है, एक कोरी कल्पना बता रहा है, एक कल्पना की बात कर रहा है जो अभी पॉसिबल नहीं है कि तुम चिड़िया हो जाते। तो जब भी आएगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, वर का यूज होगा। सी बिहेव्स, वो ऐसा बिहेव करती है एज इफ, मानो कि, ही वाज माई, ही वाज हर हस्बैंड, कि वो उसका हस्बैंड हो, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो वाज नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, एक कल्पना बताई जा रही है, वो मनी मन कल्पना की जा रही है कि ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कि वो मेरा हस्बैंड हो। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, भले ही आया है, हम यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे। ध्यान रखना इस बात को, यहाँ सेंटेंस में आया था मीट, तो इस मीट से रिलेटेड मैं एक बात बता दूं, मीट की तीनों फॉर्म होती है, मीट, मेट, मेट, और मेट के साथ जैसे लिखा हुआ, ये मेंस में पूछा गया था एक बार, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ही मेट विद हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से मिला, तो मेट के साथ कभी विद का यूज नहीं करते हैं। लेकिन मेट विद फेलियर होता है, इसका मतलब होता है असफल हो जाना। मेट विद एन एक्सीडेंट होता है, इसका मतलब होता है एक्सीडेंट हो जाना। मेट विद फेलियर मतलब असफल हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज तो एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं मैं, लाया क्या हूं, सीबीओ का क्वेश्चन है और पिनाकल की बुक में दिया गया है। वी के बाद हैव लिखा हुआ है, सही लिखा गया है, हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पे क्या है, आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वाज, वर। थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। और आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीन। ठीक है, तो हैज या हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। तो यहां आना चाहिए हैव बीन। ये मैं एकदम रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, वैसे मैं बता सकता था हैज बीन, हैव बीन होता है, बट उसके साथ मैंने ये जो चीजें बताई है ना, ये आगे आपको हेल्प करेंगी, इसीलिए मेरे पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है। वर्ब बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, जब भी वर्ब बी के बाद, हमने दो चीजें बताई, अब या तो आईएनजी फॉर्म आएगी और या तो थर्ड फॉर्म आएगी। जब आईएनजी फॉर्म आएगी तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, जब थर्ड फॉर्म आएगी तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। वर्ब बी की ही थर्ड फॉर्म है बीन, इसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक है,
द स्टे फॉर द गेस्ट्स एट ए हिल साइड रिजॉर्ट। सही लिखा गया है सब कुछ, समझ में आया। तो इसमें बहुत कुछ बताने का है नहीं, वर्ब की फॉर्म बता दी गई और बता दिया कि इसके बाद क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ बताने का नहीं होता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कुछ मैं बता देता हूँ। द स्टूडेंट्स, चूंकि स्टूडेंट्स लिखा हुआ है इसलिए आर लगा हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड, इज एम आर वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, यानी कि स्टूडेंट ने एक्सपेक्ट नहीं किया है, स्टूडेंट से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, आशा की जाती है। टू कम, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, सही लिखा हुआ है। इन द राइट टाइम नहीं होगा भाई, एट द राइट टाइम होगा, यहाँ इन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, एट द राइट टाइम, एट द टाइम होता है ना, जब आर्टिकल द लग जाए, ध्यान देना, एक होता है एट टाइम्स और एक हमने बताया है एट ऑल टाइम्स और एक बताया है एट द टाइम, यहाँ टाइम्स नहीं होगा, एट ऑल टाइम्स और एट द टाइम होगा, टाइम्स नहीं होगा, ठीक है। एट टाइम्स का मतलब कभी कभार, एट टाइम्स का मतलब क्या, कभी कभार, एट ऑल टाइम्स का मतलब हमेशा, और एट द टाइम का मतलब उस क्षण, यानी कि एट द राइट टाइम का मतलब सही समय पर, ठीक है। इन द राइट टाइम, एट द राइट टाइम, काफी चीजें मैं बता रहा हूं। अब मैं बताता हूं एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड इन सब में अंतर क्या होता है। देखो भाई, जो EXPECT एक्सपेक्ट है, एक्सपेक्ट का मतलब आशा करना और ये होती है वर्ब, एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय और ये होता है प्रीपोजिशन। जैसे एक्सेप्ट मी, मेरे सिवाय, ठीक है। एक्सेप्ट जो है वो वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना। इंश्योर का मतलब होता है बीमा करना, इंश्योर एश्योर और ई एन एस यू आर ई, और एक होता है आई एन एस यू आर ई, दोनों पूछा गया और बहुत ज्यादा बार पूछा गया। ऐसा मत सोचना कि कोई भी चीज मैं बता रहा हूं तो हल्के में बता रहा हूं, 101% ये बार बार पूछा गया है। अभी मैं 2023 का CHSL का पेपर जब सॉल्व कराऊंगा, यही इंश्योर एश्योर मिलेगा, यही एक्सेप्ट 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 तीनों फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जांपल मिलेंगे। जाकर के भरोसा नहीं, जाकर पिनेकल की बुक में देख लेना। एश्योर का मतलब होता है आश्वस्त करना, इंश्योर का मतलब होता है आश्वस्त करना, एश्योर का मतलब होता है किसी को भरोसा दिलाना, ये लिख लेना, सुनिश्चित करना। और एश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना, जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर एश्योर करता है कि मरीज ठीक हो जाएगा, और मैं इंश्योर करता हूं कि डेली क्लास आएगी। हैंग, एक हैंग का मतलब होता है लटकाना, किसी को खूंटी पर लटका देना, और एक हैंग का मतलब होता है फांसी पर लटकाना, फांसी पर लटकाना। तो जो हैंग का मतलब लटकाना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है हैंग, सेकंड फॉर्म होती है हंग, और सेकंड थर्ड फॉर्म होती है हंग। जैसे हैंग योर कोट, हैंग योर कोट, अपने कोट को लटका दो, तो किसी कोटी पे ही तो लटकाओगे कोट को, ये ठीक है। लेकिन हैंग की जो एक हैंग होता है उसकी सेकंड फॉर्म होती है हैंग्ड, HANGED, और थर्ड फॉर्म होती है हैंग्ड, इसका मतलब होता है फांसी पर लटकाना। जैसे हमने कई बार बताया है अपनी वीडियो में, हैंग्ड टिल डेथ, तब तक फांसी पर लटकाना जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। ही विल, ही के बाद विल लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। वी जो है वो प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो सिंगुलर प्लूरल होती नहीं है, इसलिए ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव आई है, हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बीन, तो हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन आई है। ऐसा बताऊंगा ना कि आपको टेंस वगैरह की हेल्पिंग वर्ब रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब बी की ही तो थर्ड फॉर्म बीन है। वर्ब बी के बाद हमने बताया या तो आईएनजी फॉर्म आती है और या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वी विल हैव बीन,
इसके बाद क्या आएगा, वी विल हैव बीन के बाद यहाँ वर्ब की या तो आईएनजी फॉर्म आएगी या तो थर्ड फॉर्म आएगी। यहां पे वास्तव में थर्ड फॉर्म आएगी और हो जाएगा नोन। कभी भी वर्ब बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। अभी हमने बताया, क्वेश्चन आ गया। शुरू से आज हम जब से पढ़ाना शुरू किए आज की क्लास, तब से मैं यही बताता आ रहा हूं। मजा आया कि नहीं आया? आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा हमारी क्लास लेने में। बाय दैट नेक्स्ट वीक है, हम इस क्वेश्चन में बाई का रोल सीखेंगे कि बाई किस किस तरह से काम करता है। यूज ऑफ बाई, बाई का यूज पैसिव वॉइस में किया जाता है। स्ट्रक्चर होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाई का यूज तक के अर्थ में किया जाता है। जब लिखा हो बाई मंडे तो इसका मतलब होता है मंडे तक। जब लिखा हो बाई 3 o'clock इसका मतलब 3 बजे तक। इस क्वेश्चन में लिखा था, एक मिनट, इस क्वेश्चन में लिखा था बाई नेक्स्ट वीक, इसका मतलब अगले सप्ताह तक, ठीक है, यहीं से लिया है मैंने। फिर बाई का यूज और कहां कहां करते हैं। ट्रेवल सोर्स के पहले, बाई द बस नहीं होता है, बाई बस होता है। बाई द ट्रेन नहीं होता है, बाई ट्रेन होता है। बाई द बस एयर नहीं होता है, बाई एयर होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ऑन फूट होता है, क्योंकि पैर जो है वो ट्रेवल सोर्स नहीं है। ऑन कैमल होता है, जैसे कि ऊंट की सवारी करते हैं जब, ठीक है, तो ऑन कैमल ऑन फूट। लेकिन बाई द ट्रेन नहीं, बाई ट्रेन, बाई एयर, बाई बस। बिफोर द टाइम सोर्स, कभी भी आपको लिखना है बाई वॉच तो बाई वॉच नहीं लिखेंगे, बाई द वॉच लिखेंगे। तो जब भी टाइम सोर्स हो तो इसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे, और जब ट्रेवल सोर्स हो तो उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। बाई बस सही होगा, बाई द ट्रेन नहीं, बाई ट्रेन। तो यहाँ पे आर्टिकल द को हटा देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। एयर का मतलब एरोप्लेन से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कल मैं 46 से सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद, देखो देखते ही देखते एक हफ्ते में 50 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। लोग कहते थे 5 क्वेश्चन सॉल्व कराइए सर, 10 क्वेश्चन सॉल्व कराइए, आने दीजिए समय। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, इस वजह से मैं कम करा रहा हूँ, बट बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैं बार बार बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे तो आप के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, आप ज्यादा ज्यादा पढ़ो, बट हमसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो और उससे सीख करके आगे भी क्वेश्चन लगाते रहो, ठीक है। बुद्ध बुद्ध से घड़ा भरता है। क्वेश्चन तो जो सॉल्व कराए जा रहे हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे और डेली सॉल्व कराए जाएंगे। आपको इतने दिन में तो लग गया होगा। हाँ, वीक में एक दिन ऑफ रहेगा, वो जिस दिन मुझे टाइम नहीं मिलेगा मैं उस दिन वीडियो, उस दिन टेलीग्राम चैनल पर अपने डाल दूंगा कि आज वीडियो नहीं आएगी। हाँ, लेकिन संडे को ऑफ नहीं रहेगा, क्योंकि संडे को वैसे भी छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे, ठीक है। तो संडे को छुट्टी नहीं रहेगी, संडे को तो मैं वैसे भी वीडियो बना लेता हूँ तो मैं अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और सच में चाहते हो कि वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से मैं लेकर आऊं, और ज्यादा मैं मेरे अंदर मोटिवेशन आए और बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा सकूं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर अच्छी ना लगे हो तो अनसब्सक्राइब करना और डिसलाइक करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।